हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं विपुल राम शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार द एनवाई में, यानी कि नेशनल यूथ एकेडमी। दोस्तों, मैं यहां पर आप लोगों के लेकर आया हूं फिजिक्स में यूपी बोर्ड ने 2023 और 2024 का जो ये सेशन है, इसमें क्या क्या डिफरेंस यहां पर क्या है और सिलेबस में क्या क्या चीजें ऐड कर दी हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। फिजिक्स का जो सिलेबस है उसमें आप ये बात याद रखें, कोरोना में लॉकडाउन की वजह से कुछ 30% काट दिया गया था, वो फिर दोबारा इसमें जोड़ दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर मैं आपको बताता हूं इसके सिलेबस में क्या क्या चीजें आपको स्टार्टिंग से मिलती है। दोस्तों, बात करें हम, आपको एक बात की जानकारी होगी कि 70 मार्क्स का इसमें कैसा होता है। हमारा देखो, अगर मैं बात करूं, अगर मैं थ्योरी की बात करता हूं तो दोस्तों 70 मार्क्स की थ्योरी आती है, और अगर मैं प्रैक्टिकल की बात करता हूं दोस्तों तो 30 मार्क्स का इसमें प्रैक्टिकल आता है। ठीक है, तो ये टोटल मिलकर हो जाते हैं 100 मार्क्स आपके। 100 अंकों का ये प्रश्न आपका मिलेगा फिजिक्स का। ठीक है, चलो अब इसके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसके सिलेबस में क्या क्या चीज आपको मिलने वाली है। तो पहले मैं यूनिट का अकॉर्डिंग आपको बताता हूं, और उसके बाद में फिर आपको एक एक यूनिट को एक्सप्लेन करके मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों देखिए, शुरुआत करते हैं अपने यूपी बोर्ड के 2022 के सिलेबस में। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, दो भागों में हमारा ये भौतिक विज्ञान बटा हुआ होता है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। दोनों 35 और 35, यानी कि 35 और 35 नंबर के यहां पर आते हैं, मिलकर के बना लेते हैं 70 नंबर। ठीक दोस्तों, बात करते हैं। देखिए जरा, अगर हम अध्याय की बात करें तो इसमें अगर फर्स्ट यूनिट की मैं बात करूं तो 5 यहां पर यूनिट जो है आपकी पहली किताब में दी गई है, और 5 यूनिट मिलकर के 35 नंबर बनाती है। दोस्तों बात करें स्थिर वैद्युत की तो 8 नंबर की, धारा वैद्युत 7 नंबर, धारा के चुंबकीय प्रभाव यानी कि मैग्नेटिज्म आपका 8 नंबर का आता है, और विद्युत चुंबकीय प्रेरण प्रत्यावर्ती धारा एसी वाला 8 नंबर का आता है, और विद्युत चुंबकीय तरंग यानी ईएम वेव्स यहां पर आ जाती है 4 नंबर की। ये होगी आपकी फर्स्ट वॉल्यूम यानी फर्स्ट बुक का सिलेबस। ठीक है, अब इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करा देता हूं मैं आपको क्या क्या चीजें इसमें इंक्रीज हो गई है। तो दोस्तों बात करें पहली यूनिट की स्तर वैद्युतिकी में, आपको स्क्रीन पर इसमें बहुत सारे हेडिंग्स दिखाई दे रहे होंगे। जैसे वैद्युत आवेश की बात करें, वैद्युत आवेश कूलम्ब का नियम क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच बल कितना लगता है। ठीक है, बहुल आवेशों के बीच का अध्ययन, अध्यारोपण सिद्धांत क्या होता है। ठीक है, उसके बाद सतत आवेश वितरण क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, वैद्युत द्विध्रुव और द्विध्रुव के कारण कितना वैद्युत क्षेत्र यहां पर बनता है, बराबर। ठीक है, उसके बाद वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, समान वैद्युत क्षेत्र के में द्विध्रुव पर बलागुण कितना होता है, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। गॉस की प्रमेय पर आधारित जितने भी डेरिवेशन हैं सभी आपके सिलेबस में डाले गए हैं। इसमें लिखा रखा है एक समान आवेश पतले गोलक के गोले के कारण, ठीक है, कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, अनुप्रयोग गोले के विभवांतर क्या होता है, आवेशों के निकाय, वैद्युत विभव समविभव क्या होता है। ठीक है, विभवांतर किसी बिंदु पर आवेश क्या होता है। उसके बाद बात करें दोस्तों यहां पर वैद्युत स्थिर ऊर्जा के बारे में बातें बताई गई हैं, और उसके बाद संधारित्र और धारिता का श्रेणी क्रम समांतर क्रम इसमें बता दिया गया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद सेकंड यूनिट की बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, जो आपकी 7 नंबर की आ गई है। वैद्युत धारा धात्विक चालकों में आवेश का प्रवाह, अपवावेग, गतिशीलता काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है। वैद्युत धारा से संबंध, ओम का नियम, विद्युत प्रतिरोध, इसका जो रेखी यहां पर ग्राफ था वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, वैद्युत और शक्ति, शक्ति वैद्युत क्या होता है, प्रतिरोधकता क्या होती है, चालकता क्या होती है, ये नया टॉपिक है जो पहले जोड़ा था, बीच में हटा दिया गया था कोरोना की वजह से, लेकिन अब फिर जोड़ दिया गया, जिसका नाम है कार्बन की प्रतिरोधकता, यानी कार्बन प्रतिरोधों के लिए 1/4 कोद, प्रतिरोधों का श्रेणीकरण समांतरक्रम, ताप निर्भरता R=ρ×ε0। ठीक है, R=ρ×ε0 वो फॉर्मूला यहाँ पर बात की गई है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है, विद्युत वाहक बल, विभवांतर, सेलों का श्रेणी समांतर, सारी चीजें इसमें जोड़ी गई है। व्हीटस्टोन सेतु, मीटर सेतु, विभव मापी, ये 3 इंपोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के, जो आप तीनों आपको याद रखने हैं। कौन कौन से मैंने आपको बताए हैं, मीटर सेतु बताया है, व्हीटस्टोन सेतु और विभव मापी, तीनों के कार्य और कार्य करने की इनकी तकनीक क्या है, प्रिंसिपल आपको यहाँ पर याद रखने हैं। दोस्तों आगे की बात करें, यूनिट नंबर 3 आ जाता है 8 नंबर का, और इसमें चुंबकीय प्रभाव में चुंबक से रिलेटेड सभी डेरिवेशन यहां पर आपके सिलेबस में डाले गए हैं। पीडीएफ भी मैं आपको दिखा दूंगा, पीडीएफ में आपका कंप्लीट आप वहां पर आपको चीजें मिल जाएंगी। वैद्युत क्षेत्र की संकल्पना, ऑस्टेन का प्रयोग, बायो सेवर्ट का नियम, तार रूपों में क्या अनुप्रयोग है, एम्पियर का नियम क्या है, अनंत लंबाई के तार में अनुप्रयोग क्या है। ठीक है, ये सारे सिलेबस की चीजें आपको उसमें मिल जाएंगी। उसके बाद यूनिट नंबर 4 पर आते हैं, जहां पर हम चुंबकीय प्रेरण के बारे में पढ़ेंगे, लॉन्ग लेंथ का नियम पढ़ेंगे, भंवर धाराएं, स्व प्रेरण, अनन्य प्रेरण और इनके अनुप्रयोग भी यहां
बार पूछ ले जाते हैं ना, जैसे चौकुंडली हो गया और ट्रांसफार्मर इनका एग्जांपल हो जाता है। प्रत्यावर्ती धारा, वोल्टेज के शिखर क्या होते हैं, एलसीआर परिपथ क्या होता है, एसी परिपथ क्या होता है, जनरेटर क्या होता है ना, वाटहीन धारा जो आपके सिलेबस में हटा दी गई थी वो फिर दोबारा जोड़ दी गई है, ये सिलेबस में नया है। उसके बाद बात करते हैं, देखिए जरा ईएम वेव्स में विस्थापन धारा क्या हो सकता, हटा दी गई थी फिर दोबारा जोड़ दी गई है आपके सिलेबस में। इस बार का जो सिलेबस उसमें सारी चीजें आएंगी। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं, अभिलक्षण ग्रुप क्या होता है, इनका ग्राफ इसमें पूछा जाता है, और विद्युत चुंबकीय तरंगों के अनुप्रयोग क्या होते हैं और इनकी तरंग दैर्ध्य आवृत्ति की रेंज क्या होती है, ये सिलेबस में डाला गया। अब बात कर लेते हैं भौतिक विज्ञान की सेकंड वॉल्यूम के बारे में। देखिए जरा ये भी 35 नंबर का आपको मिलने वाला है, भाग दो अध्याय के नाम क्या क्या है, प्रकाश की 13 नंबर, सबसे ज्यादा नंबर का ऑप्टिक्स आता है, ये बात आप याद रखेंगे। द्रव्य तथा विद्युत किरणों की द्वैती प्रकृति 6 नंबर की, परमाणु भाविक 8 नंबर का, इलेक्ट्रॉन युक्ति 8 नंबर की। ऑप्टिक्स की बात करें तो सारे ही डेरिवेशन इस बार इसमें डाल दिए गए हैं, परावर्तन, अपवर्तन, गोलीय परिवर्तन, ठीक है, गोलीय अपवर्तन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है। उसके बाद गोलीय पृष्ठों का अपवर्तन क्या होता है, लेंस सूत्र क्या होता है, लेंस मीटर फॉर्मूला क्या होता है, आवर्धन क्या होता है, आवर्धन की शक्ति संपर्क क्या होता है, पतले लेंसों का संयोजन क्या होता है, लेंस का संयोजन, दर्पण का समुपयोग, और प्रिज्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो सब इसमें डाले गए हैं, ठीक है। और TIR है ना, वो भी यहां पर डाल दिया गया है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों सारे ही एग्जाम्पल यहां पर डाल दिए गए हैं। तो आइयो आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी को लेकर के चलेंगे हमारे साथ हमारे इस YouTube चैनल द NYA पर। मैं विपुल राम शर्मा आपको भौतिक विज्ञान की एक जबरदस्त तैयारी सेलेक्टेड नोट्स के साथ आपको मैं यहां पर कराने जा रहा हूं, और नेक्स्ट लेक्चर से यानी कि कल से आपके जो रेगुलर लेक्चर है वो स्टार्ट हो जाएंगे इसी YouTube चैनल पर दोस्तों। तो बिल्कुल भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जब हम साथ हैं तो घबराना कैसा। दोस्तों बात करें इससे आगे की, अगर यूनिट 2 की बात करें तो विकर्णों की द्वैती प्रकृति 6 नंबर की यहां पर आ जाती है, ठीक है, जिसमें वैद्युत प्रभाव, हर्ट्ज का प्रयोग, लियोनार्ड के अनुप्रयोग, और ठीक है प्रकृति द्वैती प्रकृति डेविडसन जर्मन का प्रयोग हटा दिया गया था फिर दोबारा ऐड कर दिया गया, ध्यान देंगे इन बातों को जब मैं बता रहा हूं आपको, है ना, डेविडसन और जर्मन का प्रयोग फिर ऐड कर दिया गया। इसके बाद बात करते हैं ऑटम और निकलियस की, परमाणु तथा नाभिक 8 नंबर का आता है, अल्फा कंडन प्रतिरोध क्या होता है, रदरफोर्ड क्या होता है, बोहर का मॉडल क्या होता है, क्या क्या इन दोनों में अंतर है बोहर और रदरफोर्ड में, सारी ही चीजें यहां पर मिलेंगी आपको। नंबर 4 यूनिट इलेक्ट्रॉनिक यूनिट्स पर आ जाते हैं, जहां पर 8 नंबर का आपको मिलने वाला है। और सिलेबस में बात कर लेते हैं, हर तरीके तीनों तरीके के ऊर्जा बैंड यहां पर पूछे गए हैं, सुचालक, कुचालक, अर्धचालक, और अर्धचालक के अभिलक्षणी वक्र क्या होते हैं, यानी रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस भी आपको सिलेबस में यहां पर देखने को मिल जाएंगे। देखिए स्क्रीन पर आपके लिखा हुआ है एक एक पॉइंट क्लियर आपको, VI ग्राफ के कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। उसके बाद दोलित्र क्या होता है, जेनरेटर डायोड क्या होता है, ट्रांजिस्टर क्या होता है, लॉजिक गेट और एंड और ट्रांजिस्टर स्विच के रूप में, है ना, और ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के रूप में, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास केवल आपके सिलेबस में है, ठीक है, सारे नहीं है, केवल उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास आपके सिलेबस में है NPN के लिए भी और PNP के लिए भी, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अच्छे ऐसी रणनीति के साथ, और एक एक टॉपिक को टॉपिक वाइज चीजें खत्म करते चलेंगे। इसकी PDF में यहीं पर मेंशन करा दूंगा, वहां से आप अपने सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं अपनी तैयारी के लिए। जय हिंद दोस्तों।